हेलो होम कुक्स, वेलकम बैक टू वेज देसी अरोमास। फ्रेंड्स, जो डिश हम आज बनाने जा रहे हैं उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी फेमस एंड वेरी क्यूट एंड टेस्टी साउथ इंडियन रवा इडली। बट आज हम उसी प्लेन सिंपल सी सूजी की इडली को बनाएंगे विथ अ स्मॉल ट्विस्ट। हम उसमें ऐड करेंगे ये ब्यूटिफुल मार्बल इफेक्ट, जिससे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी एंड मोर न्यूट्रिशियस भी हो जाएगी। इसे आप स्टार्टर की तरह भी खा सकते हैं और मेन कोर्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट मेकिंग द यमी टेस्टी न्यूट्रिशियस मार्बल इडली। फ्रेंड्स, मार्बल इडली बनाने के लिए हमें चाहिए अराउंड 2 कप्स ऑफ सूजी, फ्रेश कर्ड 1.5 कप, चॉप किया हुआ बीटरूट, सॉल्ट, इनो और पानी फॉर मिक्सिंग। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है ऑन मीडियम फ्लेम। वी हैव टू मेक श्योर कि सूजी ब्राउन ना हो, बस उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस सूजी को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब सूजी ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें कर्ड मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा थिक बैटर प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, अभी ये बैटर काफ़ी थिक है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। अराउंड 1/2 ग्लास वाटर हमें इसमें चाहिएगा और एक बैटर बनाएंगे विच इज़ वेरी स्मूथ। हमें थिक बैटर भी नहीं चाहिए, लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर भी नहीं चाहिए। हम इस बैटर को रेस्ट करने के लिए रखेंगे 30 मिनट्स के लिए, और उस 30 मिनट्स में आप देखिएगा ये जो सूजी है ये सारा पानी एब्जॉर्ब करके थिक हो जाएगी। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंस्टेंटली इस सूजी में इनो मिला के इसकी इडली बना लेते हैं। ऐसा करने से उनकी इडली थोड़ी दरदरी बनती है। अगर आप इस बैटर को रेस्ट करने रखेंगे तो आप देखिएगा कि इडली किस तरह एकदम फूल के सॉफ्ट बनेगी, रुई जैसी। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, हम लोग बीटरूट के पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास है 1 कप बीटरूट। इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे और फिर इस मिक्सचर को छान लेंगे टू अ वेरी फाइन पेस्ट। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप इस पेस्ट को अच्छी तरह छानें, इसमें बीटरूट के दाने ना रहें, बिकॉज अगर इसमें दाने रह जाएंगे तो जब हम इसे इडली के बैटर में मिक्स करेंगे तो वो मार्बल इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से नहीं आएगा, उसमें लाइंस आ जाएंगे बीच में बिकॉज ऑफ द ग्रेन्स ऑफ बीटरूट। तो ये देखिए, बीटरूट हमारा छन गया है अच्छे से, इडली का बैटर भी देखिए तब तक फूल गया है, सूजी ने सारा एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमें इस बैटर को थोड़ा सा थिन करने की ज़रूरत है, तो हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत पतला मत कीजिएगा ये बैटर, बस थोड़ा सा इस तरह का कि हम इसे ऊपर से स्पैचुला से उठाएं तो एक ड्रॉप हो रहा हो, क्योंकि जब हम इसमें इनो डालेंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। हम इस बैटर में से आधे बैटर को बीटरूट के मिक्सचर में डाल के मिक्स करेंगे। और ये देखिए, वी हैव 2 बैटर्स, एक तो वाइट वाला और एक पिंक कलर का। अब इन दोनों में डालते हैं नमक स्वाद अनुसार और उसे कर लेते हैं मिक्स। फ्रेंड्स, अब एकदम लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इनो, आधा पैकेट इस वाइट बैटर में और बचा हुआ आधा पैकेट पिंक वाले बैटर में। फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बस एक जेंटल मिक्स देना है। और देखिए, इनो के बबल्स की वजह से दोनों बैटर किस तरह फूल गए हैं। एंड सी, वी हैव 2 ब्यूटिफुल बैटर्स रेडी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मार्बल इफेक्ट देना बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक इडली की ट्रे, जिसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब उसमें सबसे पहले बेस में हम डालेंगे 1 टीस्पून बीटरूट वाला पिंक कलर का बैटर और उसे हम इस तरह स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। इसके ऊपर डेलिकेटली ध्यान से एकदम प्यार से डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला प्लेन बैटर। देखिए, उसको भी हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे इस तरह। अब उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर में हम दोबारा से डालेंगे पिंक कलर का बैटर। और हम इन बैटर्स को, फ्रेंड्स, ध्यान से अगर आप देखें तो मैं हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इनकी लेयर्स मिक्स ना हो। अब हम दोबारा से एक वाइट कलर की लेयर डालेंगे और उसके ऊपर पिंक कलर की। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पहली लेयर जो मैंने डाली थी वो 1 चम्मच थी, फिर 1/2 स्पून, और धीरे धीरे मैं नेक्स्ट लेयर में क्वांटिटी कम करती गई हूँ। अब जब ये 5 लेयर्स रेडी हैं तो देखिए, एक टूथपिक या फिर चॉपस्टिक की हेल्प से एक कॉर्नर से सेंटर की तरफ हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे इस तरह, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज टू द मिडल, एज से मिडल की तरफ। और देखिए कितना ब्यूटीफुल मार्बल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इन इडलीज में। इसी तरह हम सारी इडली बना देंगे। लेट मी शो यू वन मोर। ये देखिए, ये इसमें एक एक करके गई डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टीस्पून, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, और फिर तो छोटा सा ड्रॉप, और उसमें इस तरह लाइंस बना दी हमने। एंड सी, आवर इडलीज आर रेडी। अब इन इडलीज को हम स्टीम करेंगे।
स्टीम करने के लिए नॉर्मल इडली को स्टीम करने वाला ही प्रोसेस है। हम एक स्टीमर में पानी गर्म करेंगे और जब पानी बॉईल हो जाएगा अच्छे से, देखिए लाइक दिस, तो हम उसमें स्टीमर रख देंगे और इन इडलीज़ को हमें स्टीम करना है फॉर अराउंड 10 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। फ्रेंड्स, कभी कभी जो स्टीमिंग टाइम है वो आपके स्टीमर पे भी डिपेंड करता है, किस बर्तन में आप कुक कर रहे हैं। इसका चेक करने का तरीका वही है कि जब आप इसमें टूथपिक इंसर्ट करें तो वो क्लीन होके आए। ये देखिए, जब हमारी इडली रेडी है तो वो कुछ इस तरह की दिखती है। अब एज़ आई मेंशन, आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही भी खा सकते हैं, या सांभर के साथ भी खा सकते हैं। जैसे मन है वैसे खाइए एंड डू लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।